हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बोर मॉडल जो हमें कंसीडर करना है उसकी ज़रूरत कहां से, वहां बोर मॉडल की जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो कहां से शुरुआत है। ठीक है, इसके पहले हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कंसीडर कर रहे थे। एटॉमिक मॉडल में जैसा आप लोग को बताया गया कि क्लासिकल एटॉमिक मॉडल है और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, तो क्लासिकल में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल तक हम लोग कंसीडर कर लिए थे। अब हमें बोर मॉडल कंसीडर करना है, लेकिन बोर मॉडल को कंसीडर करने से पहले उसके पहले की कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि रदरफोर्ड मॉडल डिस्कार्ड क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था। जैसे आपको मैंने बताया होगा कि रदरफोर्ड ने तो ये बता दिया कि एटम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो उसके सेंटर में होता है, और एक जो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं वो। लेकिन जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके पीछे कारण था कि जो मैक्सवेल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, मैक्सवेल ने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है और दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो वो एक तरह की एनर्जी इमिट करेगा, उस एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, और ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूसली रिमूव करता है तो वो रेडिएंट एनर्जी लूज करेगा, इमिट करेगा, और ऐसे में एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा और पूरे एटम की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये सारी जो रदरफोर्ड की जो मॉडल का जो मेन ड्रॉबैक है वो यहीं से शुरुआत होता है और वहाँ से ओरिजिनेशन पॉइंट होता है बोर मॉडल का। लेकिन बोर मॉडल को कंसिडर करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी के बारे में आपको बताना है, और वो जानकारी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे तो ये मैक्सवेल ने अपने कॉन्सेप्ट में पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी, और इसी रेडिएशन को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो अभी मैं कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा आपसे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है इसका दो तरह के नेचर होता है, ड्यूअल नेचर का होता है, ये दो तरह के नेचर को शो करता है। एक है इसका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको कंसीडर किया था मैक्सवेल ने 1817 में, और दूसरा जो है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको मैक्स प्लांक ने 1900 में कंसीडर किया। हमें वन बाय वन इस दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी वेव नेचर को कंसीडर करना है और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंसीडर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ कंसंट्रेट होकर बस ध्यान से आपको समझना होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने सीधा लिखा है कि इसको मैक्सवेल ने 1817 में अपना इसमें पॉइंट रखा, और इस पॉइंट के बाद कुछ और भी पॉइंट्स कंसीडर किए गए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें जो थी, अगर हम इन तीनों की बात करें वन बाय वन तो इनका एक्सप्लेनेशन हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सीमित यानी लिमिटेड रह गया, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरे की तरफ मूव करना पड़ा जिसका नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है, यानी इन तीनों का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ से मिलता है, और इन सब को मिलाने के बाद हम जहाँ पर पहुँचते हैं वो हमारा बोर मॉडल है। ठीक है, यानी हम बोर मॉडल तो पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि ये है क्या और इसके बारे में क्या क्या आपको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे।
और आपको मैंने पहले ही बताया कि जो ये जो पॉइंट है ये मैक्सवेल ने बताया था, और मैक्सवेल ने ये कहा कि कुछ ऐसी चीजें जैसे लाइट, एक्सरेज, गामा रेज या हीट, ये सब एक तरह की एनर्जी को इमिट करते हैं, ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होता है, क्लियर, और ये जो एनर्जी इमिट करते हैं ये कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है, और जो एनर्जी ये इमिट करते हैं इसी एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से कंसिडर करते हैं। बट अगर ये रेडिएशन अगर इमिट कर रहे हैं, एनर्जी का मतलब रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, रेडिएशन का मतलब रेडिएंट एनर्जी, तो अगर इस रेडिएशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, आप इस तरह देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक, ये वाला जो है ये आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड में इसका प्रोपगेशन है, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोपगेशन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ अपने फीचर्स हैं, कुछ नेचर, जैसे इनके कुछ फीचर्स हैं जो हम इस दूसरे वाले जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो आप ये वेव जो फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रहा है, यहाँ वेव जो दिखाई दे रहा है, प्रोपागेशन जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें कुछ पॉइंट जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ से कंसीडर करना है। ये इसके फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर लेमडा से। अब ये लेमडा है क्या? एनी टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, ठीक है, या एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। और वेवलेंथ की जो यूनिट है वो अलग अलग टर्म में, जैसे हम एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, ठीक है, माइक्रोमीटर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सबको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। तो ये हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। ये जो हाइट आप देख रहे हो, यानी क्रेस्ट यहाँ से ये जो हाइट और ये जो डेप्थ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो एम्पलीट्यूड है इसको ए से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो जस्ट लाइक एज ए, जैसे लेंथ, लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। इसका भी यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। अगली बात हम करेंगे फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से ऐसे, ठीक है। अब 1 सेकेंड में कितना वेवलेंथ पास कर गया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का जो डेफिनेशन है कि 1 सेकेंड में ये वेवलेंथ कितना पास कर गया है यहां से, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, और इसका जो यूनिट होता है वो सेकेंड इनवर्स और एचजेड, जिसको हर्ट्ज बोलते हैं, ये इसका यूनिट होता है। तो यहां से हमें वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी। अब अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां से जो नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी है, लीनियर डिस्टेंस, वेलोसिटी वी, ठीक है, या सी से वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आप लिखते हो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है वेव नंबर। वेव नंबर इसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से ऐसे, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि
यहाँ पर न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/ लैम्डा, यानी ये जो वेवलेंथ का इनवर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेव नंबर, वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड यहां से इस रेडिएशन से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमें जैसे इस पॉइंट्स या ये जो आप सारी चीजें देख रहे हो, यहां से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स को मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका कौन कौन सा न्यूमेरिकल आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।